यहां पर वन समितियों में काष्ठ और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदू पत्ता संग्रहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया गया है। और वनग्राम, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चारे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था, आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व गांव में परिवर्तित किया है। आदिवासी भाइयों बहनों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला फैसला है। आज ये 827 वन ग्राम स्वाभिमान के साथ, हम वन ग्राम में नहीं रहते हैं, हम राजस्व गांव में रहते हैं, राज्य में हमारा भी हिस्सा है, वो अधिकार के साथ आज आप यहां से वापिस आपके गांव में जा रहे हैं।